हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलवीडी रोबोटिक्स। आज हम जानेंगे आर्डिनो का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में कि आखिर आर्डिनो होता क्या है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो आर्डिनो इज़ द ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म। मतलब आर्डिनो एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करने के साथ अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। ये यूज़ करने में बड़ा आसान होता है। इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों आपको प्रोवाइड हो जाता है। सॉफ्टवेयर इसका आर्डिनो आईडीई के नाम से आता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं आर्डिनो के बारे में कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो जब भी आप आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्क्रीन खुलेगी उसमें दो कमांड्स लिख कर आएंगे, बर्ड सेटअप एंड बर्ड लूप। तो बर्ड सेटअप, सेटअप में क्या होता है, पुट योर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस। मतलब कोड में आपको वो चीज़ें जो एक बार रन करानी होती हैं उनको आप सेटअप में डालते हैं। मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम में कुछ पिन इनपुट होंगी, कुछ पिन आउटपुट होंगी। इनपुट पिन कई बार लो होंगी, कई बार हाई होंगी। आउटपुट पिन कई बार लो होंगी, कई बार हाई होंगी। तो जब आपको कौन सी पिन इनपुट रखनी है, कौन सी पिन आउटपुट रखनी है, ये आप एक बार सेट करते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कब उसे हाई होना है, कब लो होना है, ये बार बार चेंज होता रहेगा। तो जो सेटअप आपको एक बार करना है उसे आप लिखेंगे वर्ड सेटअप में, और जो कोड आपको बार बार रिपीट होना है, बार बार रन कराना है, उसे आप लिखेंगे वाइड लूप में। तो चलिए अब देखते हैं। सेटअप इज़ द कॉल्ड ओनली व्हेन द आर्डिनो इज पावर्ड ऑन अ रीसेट। इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल एंड पिन मोड। तो इसका मतलब जब आप कहते हैं ना कि किसी भी पिन को मान लीजिए 13 नंबर पिन या 12 नंबर पिन या 2 नंबर पिन आपको रखनी है, तो जब आप उसको आउटपुट रखते हैं तो आप ऐसे कमांड लिखेंगे पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट, पिन मोड 12 कॉमा इनपुट, इस तरीके से। लेकिन वही जब आपको लूप में दिया जाता है, लूप में आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि पिन मोड 13 कॉमा हाई, मतलब कौन सी पिन को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपको कुछ लूप में देना है, यानी वर्ड लूप में। और सेटअप में आपको देना है कमांड कि पिन आपका क्या, किस तरीके का वर्क करेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें मैंने लिखा है कि पिन मोड क्या होता है। ए पिन ऑन आर्डिनो कैन बी सेट एज इनपुट और आउटपुट बाई यूजिंग पिन मोड फंक्शन। मतलब किसी पिन को इनपुट या आउटपुट के फॉर्म में सेट करने के लिए आप पिन मोड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कमांड लिखा है पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट या पिन मोड 13 कॉमा इनपुट। जब आप आउटपुट लिखेंगे तो ये पिन क्या है, आउटपुट में सेट हो जाएगी। जब इनपुट लिखेंगे तो पिन इनपुट में सेट हो जाएगी। इसी की तरह इसके दो कमांड और होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग डिजिटल वैल्यू। मतलब वैल्यू दो टाइप की होती है, एनालॉग एंड डिजिटल। अब जब आपको डिजिटल वैल्यू रीड करनी है, डिजिटल वैल्यू राइट करनी है, तो आप उसी तरह से कमांड लिखेंगे डिजिटल राइट या डिजिटल रीड। बट जब आपको एनालॉग वैल्यू रीड या राइट करनी है तब आप उसमें लिखेंगे एनालॉग रीड और एनालॉग राइट। तो जैसे मैंने लिखा है कि डिजिटल राइट 13 लो, डिजिटल राइट 13 हाई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कमांड्स हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे वर्ड लूप के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप आते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये सबसे पहले कि एनालॉग का डिजिटल में कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं आर्डिनो के द्वारा। तो सबसे पहले तो एनालॉग होता क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वोल्टेज वैल्यू, नॉट जस्ट 0 और 5 वोल्ट। मतलब एक वोल्टेज वैल्यू की कोई कंटिन्यूस रेंज हो, जो धीमे धीमे या तो इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ना हो, जैसे 0 और 1, दिस इज़ डिजिटल वैल्यू। बट एनालॉग इज़ कंटिन्यूस रेंज, एनालॉग होता है जिसकी एक कंटिन्यूस रेंज हो। ठीक है, तो और कन्वर्ट क्यों करते हैं कि बिकॉज अवर माइक्रो कंट्रोलर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो केवल और केवल डिजिटल वैल्यू को ही समझता है, इसलिए इसमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया जाता है जो एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में चेंज कर देता है ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर उस वैल्यू को रीड कर सके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन आर्डिनो UNO। ये होता कैसे, आपकी जो एनालॉग पिन होती है उसमें आप एनालॉग सिग्नल देते हैं, वो पिन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके आर्डिनो को प्रोवाइड कराती हैं। तो देखिए सिग्नल कन्वर्टर होता क्या है, ADC होता क्या, आखिर काम कैसे करता है। ADC क्या करता है, किसी एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि जिसकी एक रेंज है, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल क्या करेगा, उसको एक रेंज में, मतलब 0 टू 5 वोल्ट, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज आपका हो गया 0 वोल्ट 2.5 वोल्ट 5 वोल्ट, और डिजिटल आपको बना देगा 0 127 और 255, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको ये क्वांटाइजेशन सिग्नल दिखाया गया है, किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करने की कई प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग, होल्डिंग, क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई एनालॉग सिग्नल है उसमें कुछ कुछ क्वांटाइज किया जाता है, मतलब उसके कुछ कुछ क्वांटा या छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, और उन्हीं पॉइंट को एक डिजिट के फॉर्म में
ले लिया जाता है, या स्क्वायर वेव जैसी आप देख पा रहे हैं, यही डिजिटल सिग्नल हो गया। तो अब देखिए, एडीसी इन आर्डिनो एनी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन आर्डिनो, द आर्डिनो बोर्ड कंटेन 6 पिन फॉर एडीसी। एडीसी के लिए 6 पिन रखता है, कौन सी 6 पिन? A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। ये 10 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है, एंड दिस मीन्स दैट इट विल मैप इनपुट वोल्टेज बिटवीन 0 to 5 वोल्ट इंटू इंटीजर वैल्यू 0 to 1023। ओके, तो रीडिंग एंड राइटिंग एनालॉग वैल्यू, तो मैंने जैसे बताया था कि जब कोई रीड सिग्नल को रीड या राइट करते हैं, तो अगर डिजिटल फॉर्म में है तो डिजिटल रीड डिजिटल राइट, एनालॉग फॉर्म में है तो एनालॉग रीड एंड एनालॉग राइट। तो ये एक एग्जांपल देखिए, मैं कोड जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, एडीसी एग्जांपल। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता क्या है कि जैसे सेंसर वैल्यू कोई दी है, मान लीजिए मैं एलडीआर सेंसर यूज़ करता हूँ, तो एलडीआर लाइट एक कैसा है एनालॉग सिग्नल है, अब उसे हमें डिजिटल फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका जो आउटपुट है वो किसी एनालॉग पिन में लेंगे, और उसका जो आउटपुट एनालॉग पिन में लेंगे, उसके बाद जो हमारा आर्डिनो प्रोसेस करेगा उसकी इनपुट हम किसी पीडब्ल्यूएम या डिजिटल पिन में ले लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।